वकील काले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि वकील काले कपड़े क्यों पहनते हैं? अगर आप लोगों को पता नहीं है कि वकील काले कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आपको बस एक काम करना है पता लगाने के लिए। आराम से बैठकर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो में काफी सारे ऐसे मजेदार और गजब के फैक्ट सुनने को आपको मिलेंगे, जिनको सुन के आपको मजा आ जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। सब्सक्राइब करके आप साइड वाला बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है, अपनी राय मेरे को कमेंट में बताना है। और आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से करते इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक कंडीशन होती है, उसका नाम है मोर्टन स्टो। उसमें आपके पाँव की पहली उंगली से दूसरी उंगली बड़ी होती है। जो आपका पाँव का अंगूठा होता है, उससे दूसरी उंगली जो होती है वो बड़ी होती है इस कंडीशन में। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा रेयर है, पूरी दुनिया में ये सिर्फ 10% लोगों के है। इसके अलावा एंशियंट ग्रीस के टाइम से इसको सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है, जिसकी वजह से जितने भी जो स्टैचूज हैं उनके पैरों में भी इसी बात को ध्यान रख के उनको बनाया जाता है। और एक कमाल की बात बताऊं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके पैरों में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी फोटो में या फिर ड्रोन से देखोगे, तो उसके पैरों में भी इसी कंडीशन का यूज करके उसको बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैर की दूसरी फिंगर पहली फिंगर से बड़ी है और वो इसी कंडीशन को दर्शाती है। फैक्ट नंबर 9। जापान की जो करेंसी है येन, उनके जितने भी कॉइन्स होते हैं वो काफी हल्के होते हैं इंडियन कॉइन्स के मुकाबले। और जो एक येन का कॉइन है वो इतना हल्का होता है, अगर आप उसको पानी से भरे बाउल में डाल दोगे तो वो पानी में तैरने लगेगा। उसका मास होता है सिर्फ 1 ग्राम, वो इतना हल्का होता है। फैक्ट नंबर 8। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है। और इसके अलावा जब भी हमको जब प्यास लगती है, फिर हमको लगता है कि हमारे बॉडी से काफी पानी लॉस हो चुका, जिसकी वजह से हमको प्यास लग रही है, वो थर्स्टी वाली फीलिंग आ रही है। पर आप जानते नहीं होंगे कि हमारे बॉडी में जब 1% से भी कम पानी लॉस होता है, मैं एग्जैक्ट 1 भी नहीं कह सकता, 1% से जब कम पानी लॉस होता है तभी हमको थर्स्टी वाली फीलिंग आ जाती है, हमको प्यास तभी लगती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप लोगों ने लेनोवो कंपनी के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स तो यूज किए होंगे, ये काफी ठीक ठाक है। पर जो इसका नाम है लेनोवो, इसका भी एक मतलब है, और वो मतलब है न्यू लीजेंड। इसका मतलब इसके नाम से पड़ा है, जो इसकी स्टार्टिंग के 2 वर्ड हैं उसका मतलब होता है लीजेंड, और नोवो का मतलब होता है न्यू, और इसी से ये इसका नाम है न्यू लीजेंड लेनोवो, ये इसके नाम का मीनिंग है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, समुद्र में ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट भी अब तक पूरी तरीके से कुछ नहीं जान पाए हैं, और मैं आपको एक ऐसी क्रिएचर के बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम है टाइगर शार्क। टाइगर शार्क के बारे में ये बात खास है कि ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करके एंटायर ओशन भी क्रॉस कर देती है। पर ये ऐसा क्यों करती है, आज तक इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। मेरे ख्याल से ये जस्ट एज अ फन के लिए करती है, पर ये बहुत बड़ी बात है एंटायर ओशन को क्रॉस करना। फैक्ट नंबर 5। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, स्पेशली मंकीज, वो एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्टेड डिजीज से बचने के लिए, और इसका मतलब होता है किसी से फैलने वाली बीमारी, और वो डिस्टेंस बना लेते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके नेचर में होता है, किसी के ग्रुप को या उनके ग्रुप के किसी मेंबर को कुछ हो जाता है, कुछ डिजीज हो जाती है, तो वो उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। और इनसे ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग सीखनी चाहिए, अगर इसको पहले से लागू करते अब तक ये वायरस चला जाता। फैक्ट नंबर 4। हमारा ब्रेन डिफरेंट हेमिस्फीयर यूज करता है अलग अलग मेमोरीज को स्टोर करने के लिए। जो चीजें आप सुनते हो या फिर लिखते हो वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्टोर होती हैं। इसके अलावा जो हादसे आपके साथ होते हैं, कोई इवेंट आप देखते हो, कोई पिक्चर्स देखते हो, वो आपके राइट हेमिस्फीयर में स्टोर होते हैं। इससे पहले क्या आपको ये सारी बातें पता थी? अगर नहीं पता थी, इस वीडियो को लाइक कर दो यार। फैक्ट नंबर 3। आप इन सारी इमेजेस को देखो, पहली नजर में देखने पर ये ऐसी लग रही है कि इन सारी इमेजेस को एडिट किया गया है, तभी ये कुछ ऐसी चीज बनी है। और ये है क्या, आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा,
पर मैं आपको बता दूं, ये एक लाइटनिंग का रिएक्शन है। जब भी लाइटनिंग बीच के सैंड पर पड़ती है तब ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा रिएक्ट होता है। और ये कितना कमाल का लुक दे रहा है, बड़ा अजीब सा ही लग रहा है वैसे। फैक्ट नंबर टू, एक बर्ड है जिसका नाम है इजिप्शियन फ्लावर बर्ड। उस बर्ड की ये खास बात है कि वो खतरों के मुंह में खाना खाती है। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब समझ जाओगे। वैसे ये एक ऐसी बर्ड है जो क्रोकोडाइल के मुंह में बैठकर उसके दांतों के बीच में फंसा हुआ जो खाना होता है उनको खाती है। और ये कितनी कमाल की बात है, और क्रोकोडाइल इनको कुछ नहीं कहता, उसकी दांतों की भी क्लीनिंग होती है। फैक्ट नंबर वन, अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वकील काले कपड़े क्यों पहनता है। कोई और भी तो पहन सकते थे, पर काले ही क्यों? इन सब चीजों की शुरुआत ब्रिटेन में 17 सेंचुरी से हुई थी। उससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि वकीलों को किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। पहले कुछ भी पहन लेते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 17 सेंचुरी में ब्रिटेन से ये रूल पास हुआ कि वकील और जज को ब्लैक कपड़े ही पहनने हैं, मतलब काले कपड़े ही पहनने हैं। और काले रंग को डिग्निटी, हॉनर, विजडम, जस्टिस के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब गरिमा, सम्मान, ज्ञान और न्याय के लिए भी माना जाता है। और यही एक मोटा मोटा रीजन है कि वकील काले कपड़े क्यों पहनते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करके शेयर जरूर करना, अपनी राय मेरे को कमेंट में बताना, और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और मेरे को हर बार बोलना पड़ता है सब्सक्राइब के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन भी ऑन कर दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।